Hey guys, welcome back to the channel. This is Himanshu and I'm a travel vlogger. इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा हो ची मिन्ह सिटी से लेके हेलोंग बे और हमारी मस्ती के साथ साथ फुल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। आज का सीन ये है कि आज हम लोग सिटी टूर करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम सोच रहे हैं कि बस बुक कर लें। सो गाइस, हमने जो टिकट बुक कराया वो जस्ट 500 टिकट बुक कराया और ये है वो बस, डबल डेकर बस, जो कि ऊपर से ओपन रहती है और अंदर एसी रहता है। तो बिना किसी बगर बगर के चलो शुरू करते हैं यहाँ का सिटी टूर। तो भाई, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है यहाँ का ओपेरा हाउस। वैसे मैंने कल वीडियो में बता दिया था, लग रहे हो ना बाबा, ये हमारे लोकल भाई बैठे, हमारे गाइड, लोकल गाइड। मैं भी ये वाली टोपी पहन लेता हूँ। सो गाइस, ये हमारा सिटी टूर स्टार्ट हो गया है और इस बस के साथ, जो इनकी सिटी टूर वाली बस है, उसके साथ एक तो आपको हेड मिलती है, एक हेडफोन मिलता है और एक वाटर बोतल मिलती है। इस हेडफोन का क्या यूज़ है, इसमें यहाँ पे एक जैक लगा हुआ है जिसमें आपके आसपास की चीज़ों के बारे में बताते रहता है गाइड। तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, बट हिंदी अवेलेबल नहीं है, बट इंग्लिश अवेलेबल है। तो गाइस, हम लोग जो फर्स्ट स्टॉप पे रुके हुए हैं डेल्टा टावर, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, वो जो पीछे दिख रहा है, तो इसकी स्टोरी है कि यहाँ पे जो एक किंग था, उसने जो तलवार थी इनके पास, एक मैजिकल तलवार थी, उसके थ्रू विक्ट्री हासिल की थी। उसके बाद जब वो तलवार वापस करनी थी तो उसने टाइम पे नहीं करी, तो इनके गॉड थे टर्टल, तो वो यहाँ पर आए हुए थे उसको लेने के लिए, तो उसी की याद में टर्टल टावर बना हुआ है। ये एक चारों तरफ पानी है, इसके लेक सी बनी हुई है, उसके बीच में ये टावर है। मिक्स मिक 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 जोर से जुबले मिक 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 जुबले टू प्लेट्स। पूरा सामने अपना इंडिया और ये है पूरा वियतनाम और हमें हनोई के पोस्ट ऑफिस में। तो गाइस, मेरे जस्ट पीछे जो आप देख रहे हो, ये है वियतनाम का मिलिट्री म्यूज़ियम और इसमें सारे उनके मिलिट्री के हथियार वगैरह रखे हुए हैं, पुराने वाले जो ये लोगों ने यूज़ किए थे वॉर के टाइम पे। और इस जो म्यूज़ियम है, इसका टिकट है 40,000 डोंग और अगर आप लोग कैमरा भी अंदर लेके जाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30,000 डोंग देने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली जो टोटल टिकट है वो 70,000 डोंग है कैमरा के साथ। सो गाइस, ये जो है ये आर्मी का वॉच टावर रहा करता था, वियतनामीस आर्मी का। इस वॉच टावर से काफ़ी दूर दूर तक के डिस्टेंस आसानी से दिख जाते थे, जो रिवर है यहाँ पे उससे भी दूर का सारी चीज़ यहाँ से दिख जाती थी। सो गाइस, अब हम आ गए हैं थंग बाओ टेम्पल, एज यू कैन सी, और ये यहाँ का सबसे पुराना टेम्पल है। प्लेस को सेव करने के लिए उन्होंने चार जगह पर टेम्पल बनाया हुआ है, चारों ओर से ईस्ट साइड वाला टेम्पल है और ये सेवियर टेम्पल माना जाता है। इनका मानना होता है कि ये नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है शहर को। जो उस टेम्पल से आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो आपको एक यहाँ पे छोटी सी लेक मिलेगी, इसमें बोटिंग वगैरह भी होती है और साथ ही साथ में एक लेक साइड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। तो इस छोटी सी लेक के बगल में ही ये लेक, दूसरी लेक भी है। पहले यहाँ पे रेड रिवर बहती थी इसकी जगह पे, लेक की जगह पे, जब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर उसके बाद ये लेक बन गई थी यहाँ पे। अब हम आ गए हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर, जो मैं आपको पहले बता था ना कि यहाँ पे इन लोगों ने अपनी सिटी के चारों ओर से एक एक टेम्पल बनाया हुआ है ताकि सिटी नेगेटिव एनर्जी से सेफ रहे, तो उनमें से ही ये दूसरा टेम्पल है। यहाँ पे टिकट है उसकी कॉस्ट 30,000 है और अगर आपको ऑडियो टूर भी चाहिए तो 20,000 एक्स्ट्रा पड़ता है।
काफ़ी पुराने चीज़ें मंदिर के अंदर रखी हुई हैं, काफ़ी मूर्तियाँ, काफ़ी संस्कृति देखने को मिलती है बेसिकली पुरानी यहाँ की। और साथ ही साथ में इसके राइट और लेफ्ट में सुवीरियर्स की दुकान है, आप चाहे तो यहाँ का कुछ लोकल आइटम ले सकते हैं। ये टूर लेते हो तो आपको इस तरह से एक मैप वो दे देते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ नियर बाई है। सो गाइस, अब हम आ गए हैं द ओल्डेस्ट पगोडा ऑफ हनोई, और काफ़ी शानदार आर्किटेक्चर है, और साथ में इस पगोडा के चारों ओर लेक है, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। और साथ ही साथ में यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग रहता है रात को, ये लाइटिंग वगैरह करके रहती है यहाँ पे प्रॉपर। और इसके बाहर आपको बहुत सारे सुवीरियर्स की दुकानें हैं और बहुत सारे लोग कुछ कुछ बेचते हुए मिल जाएंगे। क्या है ये पैट फिश है, मतलब ये पैट है इसका अपना, इसको लेकर आए हैं घुमाने के लिए अपना, इन्हें लगा दिए यहाँ पे, खाना पीना खाइए, अपना डॉक्यूमेंट उठाएगा, अपने डॉक्यूमेंट लगेगा ले जाएगा वापस। ओ भाई, शॉर्ट्स में अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सो गाइस, यहाँ पे एक रेलवे कैफे करके जगह है जहाँ पे बीच में ट्रेन की पटरी है और दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बट अभी पता नहीं क्यों क्लोज है। मैं उस गार्ड से पूछने की कोशिश कर रहा था बट वो समझा नहीं पा रहा कि क्यों क्लोज है और कब खुलता है, तो वो बोल रहा है कि काफ़ी टाइम से क्लोज है। तो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल जैसे थाईलैंड में एक मार्केट लगती है ना ट्रेन के आगे से, ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पर बीच में पटरी चल रही है और दोनों साइड से घर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं। सो गाइस, रेलवे कैफ़े की नाकामी के बाद मैं आया हूँ बगल में एक किंग पैक करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाना खाने के लिए। बेसिकली यहाँ पे रोल्स वगैरह अवेलेबल, थैंक यू, रोल्स वगैरह अवेलेबल थे, तो एक चिकन रोल मैंने ऑर्डर किया है, साथ में एक कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर करी हुई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पूछा रेलवे कैफ़े के बारे में, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम था लैंग्वेज का, तो उतना समझ नहीं पाया। तो जब मैंने गूगल करके देखा, मैं भी स्टूपिड हूँ, पहले गूगल करके नहीं गया, तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि ये जो इसकी ओपनिंग आवर्स हैं ये वेडनेसडे को खुला नहीं रहता है। तो जब मैंने इनसे पूछा कि वेडनेसडे को क्यों नहीं खुला रहता, तो जो यहाँ पे ट्रेन है वो आती है एक्चुअल में, तो पुलिस वाले अलाउ नहीं करते बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो पब्लिक आ जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ये लोग वेडनेसडे को इसे क्लोज ही रखते हैं। बाकी के दिन उन्होंने संडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM खुला रहता है, बट वेडनेसडे को ये बंद रहता है, और अगर ट्रेन की टाइमिंग्स होती है बीच में तब भी ये शायद बंद हो सकता है। तो वहाँ पे पुलिस का बंदा बैठा रहता है, पुलिस का गार्ड बैठा रहता है जो अलाउ नहीं करता आपको अंदर जाने से, बट वैसे आप कभी भी फोटो इसमें खींच सकते हो। थैंक्स गाइस, गुड फूड, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ होचीमिन मॉसोलियम, जो कि होचीमिन जी का टॉम्ब है, और एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, अभी रात को लाइटिंग के थ्रू काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ ये एक बेसिकली एक तरीके से जैसे हमारे इंडिया में इंडिया गेट है ना, उसी तरह से है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा ओपन एरिया है, यहाँ पे लोग आके एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है। सो गाइस, एक्सप्लोर करते करते मुझे अमेजिंग प्लेस मिला लॉस्ट इन हॉन्गकॉन्ग। और मज़ा आ गया, मतलब अंदर माहौल बना हुआ है, रात को जो लाइटिंग के बाद पूरा प्लेस चमक रहा है, और यू नो माहौल एकदम सेट है वहाँ पे। अगर आप आना चाहते हो तो इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। Oh,
टैक्सोम प्लेस का नाम है तहिया, स्पेलिंग होगी इसकी BIOHOI, और इसका एग्जैक्ट नेम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे आप आ सकते हैं नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, फूड वैरायटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आप आ सकते हो। क्लबिंग के लिए भी अच्छा प्लेस है। तो नाइट लाइफ बेसिकली अगर आपको देखनी है हनोई में, तो आप इस जंक्शन पे आ सकते हो। और बाकी आपने आज सिटी टूर देखा ही, और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ अपने होटल। कल हम हेलोंग बे जाने वाले हैं, तो कल की वीडियो हेलोंग बे से आने वाली है, तो स्टे ट्यून। और अगर आपने और बाकी वीडियोस नहीं देखी वियतनाम की, हम लोग वियतनाम कैसे पहुँचे, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए सी यू सून। तो यार एक बात ये है ना कि जैसे क्या होता है कि आप लोग किसी भी जगह जाते हो घूमने के लिए या फिर किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, तो ये लोग ना ऑलरेडी रेट हाई करके रखते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो हमारा एटलीस्ट दो बार जेंटली डिस्काउंट के लिए पूछना बनता है, और वो करना भी चाहिए, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी रेट ऐसे बढ़ा लेते हैं कि उन्हें पता होता है कि लोग डिस्काउंट के लिए पूछेंगे। और हाँ, चलिए इतना ही रखते हैं। अगर उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, है ना।